मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो देवी और सजनों, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हो? तो आज की वीडियो में हम 50,000 की बिल्ड करेंगे, तो लेट स्टार्ट। तो पोल के मुताबिक सबसे ज्यादा वार्ड जो है 50,000 की बिल्ड को आए, तो सबसे पहले हम वो करेंगे। उसके बाद जो है वो दूसरे जो मैंने पोल डाले थे उसके पर भी हम देखेंगे कि बॉटलनेक क्या होता है और माइनिंग क्या होता है, वो उसके पर हम बात करेंगे बाद में। इसमें दो बिल्ड करेंगे हम, कस्टम बिल्ड करेंगे और एक प्री बिल्ड करेंगे। पहले हम कस्टम बिल्ड की बात करते हैं। सिंपल, वही आपने शॉपकीपर के पास जाना है और आपने कहना है कि मुझे एक नॉर्मल टावर केस दे दें, 2,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो मदरबोर्ड है Asus का H81ME जो कि 2 रैम स्लॉट के साथ आता है, यूज में आपको 5,500 का मिल जाएगा। ओके, और ये फोर्थ जनरेशन मदरबोर्ड है। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर मैंने यूज किया है इंटेल का i7 फोर्थ जनरेशन का। इसमें सब मॉडल है वो आप देख लें कि कौन कौन से मॉडल होते हैं एज ए नॉलेज के लिए। इसमें i7 4770 3.4 गीगाहर्ट्ज़ में आता है और इसी तरह i7 4770K जो कि 3.5 गीगाहर्ट्ज़ में आता है, और इसी तरह i7 4790 जो कि 3.6 गीगाहर्ट्ज़ में आता है, और इसी तरह जो इसका लेटेस्ट CPU है वो i7 4790K जो कि 4 गीगाहर्ट्ज़ के साथ आता है, और यूज में 13,000 का मिलेगा आपको 4770 या 4790। K वाले मॉडल हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, वो आपको 14-15,000 का मिलेगा। विदाउट K वाले वो आपको 13-12,000 के मिलेंगे। अब CPU सस्ते हो गए, मैंने अपने दौर में ये 22,000 रुपए का लिया था CPU, मुझे अभी भी याद है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात कर लेते हैं रैम। रैम आपने लेनी है Corsair Vengeance जो कि 8GB आपको मिलेगी, आई थिंक 5000 की आपको मिल जाएगी 1600 मेगाहर्ट्ज में। और इसके बाद जो आपके हार्ड डिस्क आपने लेनी है बाराकूडा जो कि 500GB होगी, 2000 की आपको मिलेगी, 500GB सीगेट की मिल सकती है या WD की भी मिल सकती है आपको, यूज में आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद पावर सप्लाई। सप्लाई जो आपने यूज कर दी है वो EVGA है या Seasonic या Thunder की, जो भी ब्रांडेड सप्लाई है जो कि 80+ के साथ होगी आपने वो यूज करनी, जो कि आपको 500 वाट मिलेगी 3000 के अंदर। ये तो हमारी होगी बिल्ड इन 30,000 के अंदर इन कंपोनेंट्स के साथ, और बाकी जगह रिमेनिंग 20,000 इसमें आपने ग्राफिक्स कार्ड लेने। ग्राफिक कार्ड जो है मेरी नजर में एक ही अभी मेरे नजर में आ रहा है जो कि है AMD का, वो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ RX 574GB। इसके स्पेक्स की बात कर लेते हैं, क्लॉक स्पीड 1168 अप टू 1244 मेगाहर्ट्ज़, मेमोरी बस 256 बिट का है, मेमोरी टाइप GDDR5 है, कनेक्टर 1 × 6 मिन चाहिए, सप्लाईज को 500 वाट रिक्वायर है और यूज में 20,000 का मिल जाएगा 4GB वाला वेरियंट। मे बी 8GB भी आपको मिल सकता है 20,000 के अंदर, लेकिन उधर आप ध्यान से देख के लीजिएगा। ठीक है, ये बिल्ड है या आपकी बेस्ट बिल्ड है 50,000 के अंदर। दूसरी बिल्ड पे आ जाते हैं प्री बिल्ड। प्री बिल्ड में ये होता है कि आपने बना बनाया आप पीसी लेना है, ज्यादा पंगों में नहीं जाना, इजी है, बस आपने जाके कहना कि मुझे ये सिस्टम दे दें, वो आपको मिल जाएगा, और आपने ग्राफिक्स कार्ड लेना है। तो देखते हैं 50,000 में हमारे पास प्री बिल्ड क्या बनती है। देखिए, ये जो प्री बिल्ड है ना, ये वैसे कस्टम बिल्ड को डोमिनेट करती नजर आएगी, लेकिन इसमें एक दो डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम बिल्ड देखते हैं। देखिए, हमने जो 20,000 में प्री बिल्ड लेनी है और 30,000 के अंदर हमने ग्राफिक्स कार्ड लेना है, 20,000 में कौन सा सिस्टम मिलेगा इन टावर के अंदर? तो आपको मिलेगा i5 का फोर्थ जनरेशन सिस्टम। अब ये डेल का भी हो सकता है, HP का भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब इसके मॉडल देख लें, CPU मॉडल इसमें कौन से मिल सकते हैं आपको, और इसके नीचे मैंने प्राइस भी मेंशन की होगी। ये CPU की प्राइस नहीं होगी, पूरा सिस्टम है उसकी प्राइस मेंशन है नीचे। तो देखिए, मॉडल भी है और साथ में सिस्टम की प्राइस भी है। मॉडल देखें, इसमें आपको i5 4690 जो कि 3.5 गीगाहर्ट्ज़ में आता है, और i5 4670 जो कि 3.4 गीगाहर्ट्ज़ में आता है, i5 4590 3.3 गीगाहर्ट्ज़ में आता है, और i5 4570 जो कि 3.2 गीगाहर्ट्ज़ में आता है। और यूज में हॉल सिस्टम, ये पूरा सिस्टम आपको 18,000 से 20,000 में देखने को मिलेगा इन मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट। ये सिस्टम हो गया, और इसमें अब आपको स्पेसिफिकेशन क्या हो सकती है, वही सिंपल फोर्थ जनरेशन का मदरबोर्ड होगा। रैम इसमें 4 to 8GB हो सकती है, इसमें हार्ड डिस्क जो है 250GB या 500GB हो सकती है, इसी तरह इसमें SSD हो सकती है, मे बी डिपेंडेंट ऑन लक, और इसी तरह जो सप्लाई है, सप्लाई का रोल पड़ेगा इसमें। पावर सप्लाई जो है इसमें नॉर्मल होती है, डेल की जो ब्रांडेड होती है, HP की ब्रांडेड लगी होंगी, 400-450 वाट की लगी होगी, ये यहाँ पे मसला करेगी। खैर, ये आपकी 20,000 की बिल्ड। अब इसमें ग्राफिक्स कार्ड मैंने दो चूज किए हैं। अब इसमें हाई एंड पावरफुल ग्राफिक कार्ड नहीं यूज किए, सिंपल ग्राफिक कार्ड यूज किए ताकि ये सिस्टम उसको हैंडल कर ले। AMD का ग्राफिक्स कार्ड नहीं इसमें मैंने लिए प्री बिल्ड के अंदर, सिर्फ NVIDIA के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो NVIDIA का मैंने पहला ग्राफिक कार्ड यूज किया हुआ है, GTX 1050 Ti 4GB वाला। इसके स्पेक्स की बात कर लेते हैं, क्लॉक स्पीड 1290 अप टू 1392 मेगाहर्ट्ज़, मेमोरी बस 128 बिट है और GDDR5 में आता है, कनेक्टर्स को नहीं चाहिए, पावर सप्लाई को 450 वाट चाहिए, और यूज में आपको आज करीब
25,000 में मिल रहा है। ये ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा है, इसके साथ कंपेटेबल है, बिल्कुल ओके है। मैं एक और ग्राफिक कार्ड सजेस्ट कर देता हूँ, लेकिन ये 30,000 में मे भी आपको मिल जाए, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट कर देता हूँ एनवीडिया का GTX 1060 6GB। इसके स्पेक्स की बात कर लेते हैं, मेमोरी 6GB वाला आपने लेना है, मेमोरी बस 192 बिट है, मेमोरी टाइप GDDR5 है, कनेक्टर इसको 1x6 पिन चाहिए और सप्लाई इसको 500 रिक्वायर है, और यूज में आपको 30,000 का मिलेगा और 32-35,000 के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 6GB वेरियंट है, इसके साथ आपको कनेक्टर की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा एक आपको पावर सप्लाई भी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, पावर सप्लाई आपको अच्छी लगवानी पड़ेगी अगर आपने ये कार्ड लेना है। हाँ, अगर आप इसमें 1063GB के वेरियंट में चले जाते हैं उसमें भी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये प्राइस वो 30,000 में इजिली आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसके साथ भी जा सकते हो 3GB वाले के साथ। तो तीन ग्राफिक्स कार्ड हो गए इसमें, 1050 Ti, 1060 3GB और 1060 6GB। तो ये रही दोनों बिल्ड, कस्टम बिल्ड और प्री बिल्ड। कस्टम बिल्ड ज्यादा डोमिनेट है क्योंकि इसमें आपने अच्छे कंपोनेंट यूज किए हैं एज कम्पेयर टू प्री बिल्ड। बाकी आपकी मर्जी, आप जो मर्जी ले सको। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।